नमस्कार, मैं पंडित सचिन मगरिया और मैं आबिद बोस। हमने चार विधानसभा की वीडियो इसके पहले बनाई, प्रसारित की, जिसमें उत्तर मध्य विधानसभा, पश्चिम विधानसभा, पूर्व विधानसभा और पाटन विधानसभा, उस पर हमने अपनी राय पर प्रस्तुत की। जनता से जो समझा वो आपको बताया। अब ये चार विधानसभा और बची है। देखिए, हॉर्न की आवाज भी आ रही, मतलब चुनाव बहुत गतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आज 17 तारीख है, लोग इस बार सर मैंने देखा बहुत भीड़ हर जगह। मैं भी सुबह वोट डालने गया तो भीड़ के चक्कर में नहीं गया, मैं अभी जाने वाला हूँ। इस बार लोगों के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, अच्छी बात है हमारे संविधान के लिए कि लोगों को ये समझ में आ गया कि हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा महापौर और पार्षद, ये जितने भी लोग हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जनता इस बार बढ़ चढ़ के आई, और मैंने सुबह सुबह तो मैं वोट डाल के आया तो मैंने देखा कि जो बहुत एजेड लोग हैं, 60-70s के जो लोग हैं, जो चल फिर भी नहीं पाते, वो भी आए, और एक व्हीलचेयर में भी एक महिला को मैंने देखा जो वोट डालने आई है। मतलब काफी इस बार जागरूकता दिखी लोगों के अंदर। सर, शुरुआत करते हैं कैंट विधानसभा से। जी, कैंट विधानसभा इतनी मजबूत विधानसभा है। पहले दादा रोहाणी जी थे, उन्होंने एक वर्चस्व बनाया, लोगों की सेवा की। फिर उनके उनके देहांत के बाद उनके बेटे आए, अशोक रोहाणी जी, जो दो बार, ये मेरे को लगता है दूसरी बार विधायक बन रहे हैं। दूसरी नहीं, मुझे लगता है उससे ज्यादा ही हो गए। मतलब हाँ, दो बार विधायक रह चुके हैं, रह चुके हैं, तीसरी बार विधायक का उनका चांस है। और कहते हैं सर पूरे वहाँ तो कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है, और 11 के 11 पार्षद वहाँ के भाजपा के हैं, बहुत मजबूत गढ़ है। कैसे मुकाबला होगा सर? रोहानी जी के ने जो अपनी एक जो एक फिगर बनाए, के नाम जो बनाया, उस नाम के बाद ये देखा जा रहा है कि उनके बेटे को इसका बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से बेनिफिट मिला है। कैंट को अगर हम देखें तो कैंट बहुत ज़्यादा कोई विकसित ज़्यादा हुआ नहीं है, जैसा कैंट पहले था वैसे ही देखा जा रहा है, कुछ इसमें बहुत विकास नहीं देखा जा रहा है। लेकिन जनता का एक विश्वास जो रोहानी जी के नाम के साथ है, वो हर समय कांग्रेस पे और अन्य दलों पे भारी पड़ा है, और इस बार भी ये देखा जा रहा है कि ये भारी पड़ने की संभावना है। हालांकि जनता भी, हो सकता है जनता के मूड में कब बदलाव आ जाए कोई जानता नहीं है, लेकिन रोहानी जी का नाम तो बहुत बड़ा एक फैक्टर बना हुआ आज भी। सर, अनु भैया को लड़ाने का चल रहा था, अनु भैया को लड़ाने का चल रहा था, और अगर अनु भैया लड़ते तो कांटे की टक्कर हो जाती पश्चिम की माननीय महापौर। लेकिन हाल ही में वो महापौर बने, इस कारण से शायद उन्होंने भी कह दिया कि भाई अभी थोड़ा महापौर बने तो थोड़ा कुछ समय तक अभी सत्ता पे रहना चाहते। मजबूर सीट से तो नहीं हाथ खींच लिया? अगर आते तो कहीं ना कहीं टक्कर होती, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक वर्ग ऐसा जो रोहानी जी को देख रहा था, एक वर्ग ऐसा भी होगा जो कहीं ना कहीं नाराज जरूर होगा रोहानी जी से, अशोक रोहानी जी से, तो अनु भैया आते तो टक्कर होती, क्योंकि नाराज वर्ग ही देख रहा है मजबूत कैंडिडेट। चिंटू चौक से वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं वो, और अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर जो बाकी कैंडिडेट से मेहनत करे तो रोहानी जी को टक्कर तो दी जा सकती है, क्योंकि रोहानी जी का काम थोड़ा स्लो है, जितना दादा ने किया जितना उतना वो कर नहीं पा रहे। वो सरकार आती भाजपा की मंत्री बनेंगे, चांस बहुत कम है, क्योंकि रोहानी जी के चांस है सर तीसरी बार जीतेंगे। नहीं, तीसरी बार जीतेंगे, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि भाजपा में मंत्री बनाने के भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, जैसे खासकर जबलपुर। हाँ, जबलपुर में सांसद जी को देख ले, राकेश सिंह जी को, इतने सालों से वो जीते लेकिन कभी भी उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। आज विधानसभा में डाल दिए, तो भाजपा का एक अपना अलग क्राइटेरिया रहता है किसी को मंत्री बनाने का, और मुझे लग रहा है कि इस बार भी चांस तो कम ही है। हालांकि अगर वो थोड़ा सा अगर शीर्ष नेतृत्व से बात करे तो कुछ भी संभव हो। सांसद जी की आपने चर्चा की, करो या मरो की स्थिति? सांसद जी अगर हार गए तो समझ लीजिए कि उनका विधायकी तो के से तो बाहर जा ही रहे, अगले सांसद चुनाव में भी वो अब टिकट नहीं। जीत गए तो विधानसभा में मंत्री बन जाएंगे, लेकिन सांसद तो उनकी जो सीट है वो तो चली जाएगी, लेकिन दोनों हालत में सांसद की सीट। सवाल देर से सही, बहुत लोग पूछ चुके हैं, क्या कारण था कि सांसद को मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया? जी, देखा अगर जाए तो ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि भाजपा इस बार संकट में, इस कारण से भाजपा ने इतने बड़े फैसले लिए, अपने बहुत बड़े गेम चेंजर को उठा के यहाँ डाल दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो एक निष्क्रियता भी राकेश सिंह जी की दिखी है कहीं ना कहीं, और सांसद होते हुए वो अगर जबलपुर को बहुत आगे भी ले जा सकते थे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स में उनसे कमी हुई है। नहीं, कहते तो हैं सर ब्रिज बन रहा है, लेकिन बात रेलवे है, लेकिन जो स्पीड और हवाई जहाज की जो
जगह जगह चलाई गई है। हाँ, लेकिन जो स्पीड होना चाहिए था तीसरे महानगर होने के नाते उसमें कहीं ना कहीं मार खाया। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि कई बार अंदरूनी भी कुछ ऐसी राजनीति में उठा पटक होती है, कई बार दोनों के बीच में मतभेद बने रहते हैं केंद्रीय नेतृत्व के साथ। इंदौर को भी वैसा पैसा मिलता है, भोपाल को भी उतना ही पैसा मिलता है बजट, मतलब जो शहर विकास पे रोजगार करता, और जबलपुर को उतना ही मिलता। लेकिन हम आज तीसरे नंबर पे क्यों है मध्य प्रदेश? हमेशा से ये देखा गया कि जबलपुर तीसरे नहीं, चौथे, छिंदवाड़ा भी अपन से आगे नहीं, लेकिन वो उसमें जगह देखा जाए तो तीसरा ही माना जाता है जबलपुर को। जबलपुर को थर्ड माना जाता है कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से तीसरे में हम चले जाते हैं। 20 साल से सांसद जी थे, आप सांसद की चर्चा जी की चर्चा की, इसलिए मैं थोड़ा उनसे रिलेटेड भी सवाल आपसे डाल रहा हूं। बात यहाँ पे ये हो रही है कि हमेशा से एक जो भी पार्टी आती है उसको बीजेपी अपना जो इंदौर और भोपाल हमेशा ज्यादा फेवर रहा है, लेकिन हम लोग थर्ड इसलिए महानगर बन जाते हैं क्योंकि इस बेल्ट में अगर आप देखें तो हमारे आसपास वाले सारे के सारे जो शहर और गांव है वो बहुत पीछे है। जबलपुर थोड़ा सा आगे निकल गया तो इसको थर्ड महानगर का कैडर मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक महानगर ही है, जो व्यवस्था होती है वो जबलपुर में आज भी नहीं है। और अगर आप, मैंने अभी देखा कि एटीएम में हम लोग मेट्रो मेट्रो कहते रहते, एटीएम में लिखा रहता नॉन मेट्रो, यानी हम लोग एटीएम में बैंक मानते हैं कि नॉन मेट्रो में आज भी है, जबकि अगर भोपाल इंदौर में एटीएम में जाता तो वहाँ मेट्रो एटीएम्स कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं नॉन मेट्रो तो है, मेट्रो जबरदस्ती हो रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली के जो चुनाव होते हैं और साउथ में जो चुनाव होते हैं वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे होते हैं। आज मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा था कि हमारे चुनाव सनातन और भ्रष्टाचार पे हो रहे हैं, ना रोजगार पे हो रहे हैं, ना स्वास्थ्य पे हो रहे हैं, शिक्षा पे हो रहे हैं। कहाँ है सर हम आज? देखिए, अगर इस 2023 में अगर हम इस माइंडसेट के साथ उतरे हुए कि जहाँ पे आज भी सिर्फ सनातन ही हमारे लिए और भ्रष्टाचार दो चीज पर, और भ्रष्टाचार पे हम बात भी नहीं करना चाहते, सनातन हमारे लिए दो चीज पर रोजगार, चुनाव हो रहा है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे दो जो फैक्टर्स है उनपे सबको पता है कि ये बड़े बहुत बड़े राक्षस बन गए हैं, लेकिन इसके निवारण के लिए हम कोई भी अच्छा नेतृत्व नहीं चुन पा रहे। आज भी हम लोग बहुत पुराने ही नेतृत्व चल रहे हैं, तो अगर ऐसा अगर माइंडसेट रहेगा तो इसमें तो फिर ये रहेगा कि आने वाले समय में ये चीजें और अब ज्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है कि हमारे आने वाले समय में रोजगार, महंगाई जैसी चीजें हमारे कई परिवारों में निकल जाए, फिर उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा आगे सिवाय गम के। सांसद जी की चर्चा यहीं पर खत्म करते हैं। दूसरी हम आते हैं बरगी विधानसभा, बरगी विधानसभा से लड़ रहे हैं यादव जी, संजय यादव जी, और सुशीला से वो क्या बोलते हैं, सुशीला सिंह जी के बालक लड़ रहे हैं चुनाव, और एक आप पार्टी से भी खड़े हुए महेंद्र जी, क्या देखते हैं सर? बरगी विधानसभा हमेशा से बड़ी शांत विधानसभा टाइप की है, कुछ ज्यादा बड़ा उथल पुथल दिखती नहीं, लेकिन अचानक जो विजेता का जो क्रम वहाँ पे है वो डिसाइड वहाँ पे जनता सोच समझ के करती है अपने हिसाब से। हमेशा से भाजपा कांग्रेस की दो जो सत्ताधारी पार्टी है ये दोनों आगे हमेशा लड़ती रहती है, लेकिन इस बार आप पार्टी करने से ये चीज रहेगी कि जैसे ये जो जबलपुर के बाहर के जो क्षेत्र है जहाँ पे विकास नाम मात्र का हुआ है तो वहाँ पे एक विकास की शायद लहर चल सकती है अगर आप पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स वहाँ से निकल सके, क्योंकि जनता भी चाहती है कुछ तीसरा कुछ, क्योंकि जबरगी इस बांध को सिर्फ लोग बांध के लिए जानते हैं, विकास वहाँ पे एकदम शून्य बड़ा हुआ है। अगर हम कहीं भी जाते तो हमें वहाँ पे दिखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय बांध देख के हम वापस आ जाते हैं, एक ढंग के होटल, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स तक वहाँ पे नहीं है। तो इस बार कांटे की टक्कर में अगर कुछ नए चेहरे जीते तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। सर, सिहोरा विधानसभा जो पूर्व पहले विधायक थी उनको हटाया, नए प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दी, एक युवा चेहरा आप पार्टी से भी, आप पार्टी से नहीं लड़ रहे सर, एक युवा चेहरा नेत्री है, वो ऑलरेडी जनपद सदस्य है वहाँ पर जी, कांग्रेस से जी, क्या लगता है सर सिहोरा क्यों आखिर वो मौजूदा विधायक को हटा के दूसरे को टिकट दिया? सिहोरा की बात करें तो सिहोरा क्षेत्र जबलपुर जिले से अलग होने की कई बार बात करता है, कुछ वहाँ पे नाराजगी चलती है लोगों की, वही कुछ ज्यादातर सब चीजें यही पे है, और पनागढ़ क्षेत्र में फ्लाईओवर की बहुत समस्या है, जो हाँ खतौला फ्लाईओवर है, हाँ बहुत समस्या है, और पनागढ़ की बात करें तो पनागढ़ थोड़ा सा जो है डेवलप नहीं हो पाया, आधारताल है थोड़ा सा है, लेकिन वो काफी दूर पड़ता है, सिहोरा जो है वो कटनी और जबलपुर के एकदम जिले में एकदम बीचों बीच में आ जाता है, तो देखा जाता है कि वहाँ के लोग विकास के लिए काफी बड़े फैसले लेने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब थोड़ा सा वो चाहते हैं कि सिहोरा एक अच्छा मॉडल बन के उठ रहा है, युवा चेहरा आएगा, युवा चेहरा आने की बड़ी उसमें, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोग देखे जाते हैं मुख्य सिटी जबलपुर में आके पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे रोजगार कुछ भी नहीं है आज भी, और आज भी सिहोरा उतने दूर से वहाँ पे
जबलपुर में आके उनको अपने धंधा पे करना पड़ता है, तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कि कुछ सारी व्यवस्थाएं अगर प्रॉपर सिंगोरा में हो जाए तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में शहर को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं सर, जबलपुर से जिले से अलग होने की मांग। सर जिला बन गया तो सब चीजें अलग हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, उसके बाद ये रहेगा कि सिंगोरा पे थोड़ा फोकस ज्यादा पड़ेगा। सर जिला बनाने की संभावना कई वर्ष से चल रही है, लेकिन जबलपुर से अभी अलग होने पर उनको थोड़ा नुकसान इस बात का रहेगा कि जबलपुर अभी तीसरा बड़ा महानगर बनकर उभर रहा है। तो अभी जो जबलपुर को जो पैकेज अभी मिल रहा है भोपाल से सिंगोरा को कई वर्ष लगेंगे उस पैकेज में आने में, तो डेवलपमेंट तो होगा जिला बनने हाँ, लेकिन पेस में तो फर्क आता है। लेकिन हाँ ये है कि डेवलपमेंट रहेगा, लेकिन पेस में फर्क ऐसा आता है कि सिंगोरा पे ध्यान अभी तेजी जाएगा, लोग का ध्यान जबलपुर में ज़्यादा जाता है क्योंकि बड़ा शहर है। तो अभी तो फिर इसलिए वो बने रहे तो ज़्यादा ही बेहतर, हो सकता है आने वाले समय में उपराजधानी भी जबलपुर बन सकती है जैसा कि चल रहा है कार्यक्रम। सर अंतिम पनागर विधानसभा बहुत मजबूत विधानसभा, दो बार बिंदु तिवारी जी वहाँ के विधायक, उन्होंने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कराया धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बहुत पब्लिक आई, उसके बाद वर्चस्व है। और आज फिर राजेश पटेल जी खड़े हुए हैं, कांटे की टक्कर मानी जा रही है सर उनके, मतलब कहा जाए तो एक सोहरा विधान पनागर विधानसभा और एक है पश्चिम विधानसभा, दो ऐसी विधानसभा है जहाँ कांटे की टक्कर है। क्या लगता है सर राजेश पटेल पहले अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, वो कांग्रेस के बड़ा चेहरा है, लो पटेल यादव वोट उनके कहते हैं कि उनके मतलब पक्ष में हैं, अब है ना है ये अलग बात है सर कि जनता से जनता चाहे, तो क्या लगता है कांटे की टक्कर है इस बार पनागर की? अगर बात करें तो माननीय विधायक जी इंदु तिवारी जी वहाँ जब से है और जब से हम लोग देख रहे हैं तो पनागर में विकास के स्थान पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे एंटरटेनमेंट्स बहुत है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आए, अच्छी बात है, सनातन धर्म में आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि विकास जो लोग मांग रहे हैं कि हमें रोटी के लिए क्या करना है, वो एक पनागर के लिए भी दिक्कत है, रोजगार एकदम नहीं है। हालांकि वहाँ पे कहे जाते हैं कि जितने भी लोग जो फार्म वाले जो लोग हैं तो फार्म वाले लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। अब अगर शाम को देखा जाए तो पनागर से लौटना भी मुश्किल है, अगर रात को देखा जाए आज तक उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया ना, प्रॉपर वहाँ पे कनेक्टिविटी समझ में आ रही है और ना ही हमें ये समझ में आ रहा है कि वहाँ के जो युवा पढ़ लिख के निकल रहे वो कहाँ जाए। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो जबलपुर मेन सिटी में, या तो फिर कटनी, या फिर भोपाल इंदौर की तरफ निकल जाए। वह तो रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं भी वहाँ पे कोई समझ में ज़्यादा आ नहीं रही है, तो सिवाय हमारे एंटरटेनमेंट के अलावा अगर बेसिक व्यवस्था ना हो तो हो सकता है कि वहाँ के लोग इस बार विधायक बदल भी दे। और लेकिन कांटे की टक्कर है हाँ, लेकिन टक्कर तो काफ़ी है, और अगर इंदु तिवारी जी विधायक बनते तो मंत्री बनेंगे हाँ। और इंदु तिवारी जी का एक ऐसा वर्चस्व है वहाँ पे कि उनके बहुत अच्छा सोचा हुआ नेता नेता माना जाता है, भाजपा में उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी है, कार्यकर्ता बहुत उनके पास हाँ, कार्यकर्ता है, और लगातार अगर उनके बारे में कभी भी कुछ बुरा कभी सुना नहीं गया, तो मुद्दे तो है लेकिन भारी पड़ता है कई बार चेहरा भी विधानसभा विधायक के चुनावों में, चेहरे कई बार मुद्दे पे बहुत भारी पड़ जाते हैं ऐसा देखा गया, हो सकता है पनागर में हमेशा की तरह इस बार भी शायद ऐसा हो सकता है, ये चांस है। सर 3 तारीख को देखते हैं क्या होता है, 3 तारीख को एक बहुत बड़ा दिन है और इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे वो अप्रत्याशित आने वाले हैं, जो उम्मीद ना कर रहे वो रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट्स भी ऐसे आएंगे जो आने वाले 5 सालों में जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसको बहुत हद तक बदल देंगे। तो इस बार इंटरेस्टिंग है, और इस बार के रिजल्ट्स के बाद युवा वर्ग और सामने आएगा और अगले विधानसभा चुनाव में सहभागिता दिखाएगा। सर आप पार्टी की चर्चा कर लेते हैं, 70 सीट पर खड़ी है, क्या होगा सर आगे भविष्य? ये 70 सीट ये बताएगा मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के बारे में बताएगा, मध्य प्रदेश हमेशा से कितनी सीट बनाएगी सर 70 में से? मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 20-25 अब जीत जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये एक अच्छी ओपनिंग होगी, लेकिन बाकी अब देखते हैं आप जनता, क्योंकि पहली बार आप पार्टी आई है तो इस बार जनता उनको कितना समझ पाएगी ये आप देखना पड़ेगा। केजरीवाल जी का नाम तो हालांकि सभी जानते हैं, लेकिन बात ये कि पार्टी के कार्यकर्ता कितना मिल पाए जनता से, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आप पार्टी में रहेगा। लेकिन आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में आप पार्टी के कारण मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, और ये चीज़ हमारे राजनीति को एक पॉजिटिव पॉइंट में ले जाएगा ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस की काफ़ी सालों की राजनीति हो चुकी है। सर किसकी सरकार में? सरकार तो अभी ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई लोग मानते हैं कि पिछले साल बार की तरह कमलनाथ जी वापसी कर जाएंगे, तो कोई कह रहा है कि शिवराज जी कंटिन्यू करेंगे। हफ्ते भर का पेपर देख रहा हूँ जी, हफ्ते भर के पेपर में तो मुझे योजनाएं लट गई है सर,
हर दिन पेपर में विज्ञापन, ये योजना है वो योजना है, कोई इसकी कॉपी करके डाल देता है, कोई उसकी कॉपी करके डाल देता है। तो अगर मैं एक चीज सर, एक लास्ट अंतिम सवाल है, अगर दोनों पार्टियों ने काम किया होता या तीसरी पार्टी भी काम की होती तो क्या सर ये योजनाएं आज लागू पहले से ना हो चुकी होती? 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, 20 साल सर, हाँ 20 साल की बात, 20 साल बहुत बड़ा समय हो जाता है योजनाओं को लागू करने का। लेकिन जो अगर योजनाएं आपने बहुत अच्छी निकाली, जनता को बेनिफिट मिला, तो जनता को योजना याद रहती है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि जनता को रटा दिया जा रहा है वो योजनाओं के बारे में, और कुछ गैर जरूरी योजनाएं भी जबरदस्ती चलाई गई, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी इस बार पीछे हटने की जगह उनने भी योजनाएं की अंबार लगा दिए कि अगर सरकार बनी तो हमारी ये योजनाएं रहेगी। मतलब कांटे की टक्कर योजनाओं में तो चालू हो चुकी है, अब जो जीतेगा वो फिर भोपाल से फिर योजना को कितना पारित कर सकता है ये तो भविष्य बताएगा। एक और सवाल जी सर, पहले इन्हीं योजनाओं को क्या बोलते थे, एक शब्द था रबड़ी, क्या बोलते उसको, रबड़ी, ये मुफ्त की रबड़ी, मुफ्त की रबड़ी। अब वही चीज कांग्रेस कर रही है, भाजपा कर रही है, और दूसरी पार्टी, आप पार्टी तो करती थी उसी का रबड़ी बोला गया था, तो कहीं ना कहीं फिर वो उसी चीज में नहीं आ रहे हैं सर? हमारी राजनीति जो है वो देखी जा रही है मुफ्त की रबड़ी के आसपास ज्यादा घूम रही है। शुरुआत में सबने दोष लगा दिया आप पार्टी पर कि आपने मुफ्त की रबड़ी बांटी, जबकि ये इतना फैक्ट पॉइंट था नहीं। लेकिन आज देखा जा रहा है मुफ्त में सब कुछ बांटा जा रहा है, लेकिन इस चीज में जो इम्पोर्टेंट है वो तो ज्यादा बांटा नहीं जा रहा, सिर्फ देखा जाए तो पैसा ही बांटा जा रहा है, और एक लालच दिया जा रहा है कि हम मुफ्त में आपको और भी चीजें देंगे। और अभी एक चीज और भी, महंगाई घटाने की बात हो रही है, सिलेंडर का रेट हम 450 कर देंगे, भाजपा कह रही सिलेंडर रेट हम 450 करेंगे, कांग्रेस कह रही 500 करेंगे, मतलब 50 रुपए का फर्क भी दिख रहा है, तो सिलेंडर के रेट भी दोनों डाउन करने बैठे हुए। सर ये चीज बहुत अच्छी है कि आज कम से कम दोनों पार्टियां, चाहे तीनों पार्टियां या पांचों पार्टियां, जनता के बारे में सोच रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने साल जो महंगाई से जनता त्रस्त हुई है, कम से कम उस महंगाई का जो एक दर्द जनता का उसको कम करने की बात तो हुई। साथ ही साथ अब इनको समझ में आ रहा है कि सत्ता से भोगने के लिए नहीं, योजनाओं के लिए भी होती है सर। एक चीज योजना भी मिले वो अच्छी बात है। सर रोजगार पर कौन सी सरकार काम करती आ रही है देखिए हिसाब से? बात अगर करें रोजगार की स्थिति पे, तो जो बाकी जो CM जो होते हैं, सबसे बड़ी काम उनका होता है कि उनको रोजगार पे काम करना है। और अगर अभी तक देखा जा रहा है तो रोजगार के बारे में पुख्ता काम किसी ने उतना किया नहीं है, जितना थोड़ा बहुत करते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि एकदम नहीं कर रहे, लेकिन एक पुख्ता काम ऐसा करना है जिसमें हमारे यहाँ पे बेरोजगारी शब्द ही हट जाए, हमारे युवाओं पे कॉन्फिडेंस हो जाए कि जैसे ही वो कॉलेज पास आउट करे तो रोजगार के अच्छे अवसर मिले, अच्छा व्यापार करे, ऐसा अभी तक किसी पार्टी में इतना ज्यादा काम नहीं है। लास्ट में जोड़ना चाहूंगा, दिल्ली हो गया, और दिल्ली हो गया, साउथ में हो गया, ऐसे उन जगहों पर रोजगार, जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ रोजगार की बात युवा नहीं करते कि हमें रोजगार चाहिए, वहाँ ऐसा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर साउथ इंडिया में और जितने भी हमारे विकसित जो आज प्रदेश है उसमें देखा गया है कि जो हमारे सरकार है वो 30-40 साल आगे का विजन लेके चलती है, वो ये मान के चलती है कि हमारे पास से वो सारे रिसोर्सेज होने चाहिए कि हमारे जो बंदे हैं उनको अपने राज्य से बाहर ना जाना पड़े। जबकि अगर देखा जा रहा है ये चीज़ अगर सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में हो जाए कि सारे रिसोर्स सरकारें अपने जगह करें, हॉस्पिटल से बड़ी IT कंपनी से बड़ी बड़े बड़े उद्योग, और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दे, मेट्रो चला दे, तो इससे ये होगा कि हमारे लोगों को शिक्षा के लिए और बीमारियों के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनका मॉडल जो है वो मॉडल हमेशा ये कहता है कि सब हमारे पास हो, हमारे लोग बाहर ना जाए, जबकि ये चीज़ हमारे नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में बहुत मिसिंग है। हमें हर काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, और चाहे किसी भी प्रकार के रोजगार हो, सबके लिए हमें बाहर ही जाना पड़ता लगातार। दूसरे पार्ट में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 4 विधानसभाओं का निष्कर्ष निकाला, ये हमारे अपने मत थे, इस पर हम किसी का हस्तक्षेप नहीं करते, बस थोड़ा बहुत सर्वे करके हमने अपनी बात रखी। हम कांग्रेस के पक्ष में भी नहीं हैं, हम भाजपा के पक्ष में भी नहीं हैं, हम आप पार्टी के पक्ष में नहीं हैं, हम जनता के पक्ष में हैं, और जनता जो भी चुनेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। क्यों सर, 3 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। आज मैं ये बोलना चाहूँगा, सरकार जिसकी भी आए, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने विधायकों से, हम अपने मुख्यमंत्री से अपने अधिकारों की जरूर बात करें, और अगर हमें कोई कष्ट है, कोई योजना नहीं मिल रही, तो बेवाक आप बात करिए सरकार से, क्योंकि हमारा अधिकार बनता है, हमने अपने चुने हुए प्रतिनिधि से आने वाले 5 वर्षों में हम अपने सारे कष्टों को, उनका बार बार आप दरवाजा खटखटाएं कि आप विधायक जो बने हो वो हमारे लिए बने हो, और हमारे आने वाले 5 साल अब आपको अच्छे करने हैं। तो हमने 4 विधानसभा की चर्चा की, हो सका आपको ये हमारी कुछ बातें अच्छी लगी हों, कुछ खराब लगी, क्योंकि नस्कर्स हमेशा दोनों तरफ के निकाले जाते हैं। हमारा किसी प्रकार का किसी भी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, सिर्फ
हमारे कुछ बातें हैं जो हम आपसे करना चाहते थे। अंत में यही कहूंगा कि वोट जरूर डालिए और युवाओं को भी राजनीति में आना चाहिए। सिर्फ वोट डालने से पर सीमित ना रहें, आप भी आए राजनीति में और राजनीति में आकर एक समाज की भी सेवा करें, क्योंकि आज इसको भी एक करियर के रूप में देखा जा रहा है। आप अगर IPS बनना चाहें, आप कलेक्टर बनना चाहें, तो भी आप समाज की सेवा करते हैं, लेकिन अगर आप एक राजनीति में भी आकर अगर आना आके समाज की सेवा करते हैं, तो वो IPS कलेक्टर DSP के भी ऊपर होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी जरूर, सही बोला उन्होंने सर। जरूर जरूर, क्योंकि ये तो नेता जो है वो सब कुछ चला आप है। सिर्फ एक दर्शक बन के ना रहे, कार्यकर्ता बन के ना रहे, आप भी अपना मन बनाए अगर राजनीति में आना चाह रहे हैं, समाज की सेवा, खासकर समाज की सेवा करना चाह रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि 5 साल बीते हो फिर चुनाव लड़े, वही मेढक टाइप का हाल ना हो। तो इसी तरह हम वीडियो का अंत करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप युवा हैं और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग हो चुकी है, MC कर रहे हैं, BCOM कर रहे हैं और आप IT में करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारा विजयनगर में इंस्टीट्यूट है जो आपको उस मुकाम तक IT में पहुंचाएगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो देर ना करें और यह वीडियो 3 माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। अंत में बताना चाहता हूँ, शुरू में बताना था, यह वीडियो YouTube चैनल विस्तार इंस्टीट्यूट जो जहाँ 1500 लोग युवा जुड़े हुए हैं, दूसरा जबलपुर हलचल Facebook चैनल जहाँ 3000 लोग जुड़े हैं और विस्तार संवाद उसमें थोड़ा कम जुड़े हैं, आगे धीरे धीरे करके लोग जुड़ जाएं। हम कभी किसी से बोलते नहीं कि लोग जुड़े, हमारा काम है सिर्फ करना। धन्यवाद। 3 तारीख का इंतजार करेंगे, फिर एक वीडियो डालेंगे, तब तक बीच बीच में कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहेंगे, चाहे वो किसी संदर्भ में हो, शिक्षा से संदर्भ में हो, IT संबंध में हो, रोजगार के संबंध में हो, स्वास्थ्य के संबंध में हो। मैं पंडित सचिन मगरिया और मैं अमित बोस, धन्यवाद, धन्यवाद, मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय हिंद।